दोस्तों, अगर आपको ना काफी ज्यादा टाइम हो चुका है YouTube के ऊपर काम करते करते, लेकिन अभी तक जो है आपका YouTube चैनल YouTube सर्च में टॉप के ऊपर रैंक नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि हमसे कोई पूछ लेता है, हमारे चैनल का नाम पूछ लेता है कि आप एक यूट्यूबर हो तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, आप मुझे अपने चैनल का नाम बताइए। हम उसको नाम बताते हैं और वो यूट्यूब सर्च के अंदर सर्च कर लेता है, जहां पे जो है हमारा चैनल नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा अजीब फील होता है कि हमारा चैनल जो है इतने टाइम बाद भी YouTube सर्च के ऊपर रैंक नहीं कर रहा है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि आपके चैनल के ऊपर आपने की होगी, जिसकी वजह से आपका चैनल YouTube के सर्च के ऊपर रैंक नहीं कर रहा है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कंप्लीट। मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जिनसे आपका चैनल YouTube सर्च के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक करने लग जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। दो तीन ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से ही आपका चैनल टॉप के ऊपर रैंक करने लग जाएगा। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि क्या आपका चैनल यूट्यूब सर्च के ऊपर रैंक करता है या नहीं करता है। आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका YouTube चैनल YouTube सर्च के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक करे, तो उसके लिए जो पहली चीज आपको करनी होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, वो होते हैं आपके चैनल के कीवर्ड्स, जिनको सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे आप अपने चैनल के कीवर्ड्स को सेट करोगे, तो उसके लिए जो है आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर चले जाना है। वहां पे चैनल कस्टमाइजेशन की एक ऑप्शन मिलती है, वहां पे जाओगे तो पहली ऑप्शन के अंदर आपको चैनल कीवर्ड्स ऐड करने की ऑप्शन मिलती है। तो वहां पे जाके जो है आप अपने चैनल का नाम सबसे पहला तो ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपके चैनल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स अच्छे अच्छे जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, जिनके ऊपर काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा सर्च होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कीवर्ड्स जो है वहां पे आपको लिख लेने हैं। साथ में आपके चैनल का जो भी हैशटैग है वो भी वहां पे आपको ऐड करना है। इसके साथ ही जो भी आप वीडियोस बनाते हो, जिस भी टाइप का आपका कैटेगरी का चैनल है, मतलब अगर आप यूट्यूब के बारे में वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हो, आप कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बताते हो, तो वो भी जो है वहां पे आपको टैग वाले सेक्शन के अंदर, कीवर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर अपने चैनल के लिख लेने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम आपको सबसे पहले जो है कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो आपको जो है एक अच्छा चैनल डिस्क्रिप्शन डिजाइन करना है और उसको जो है यहाँ पे आपको अपने चैनल के अंदर लगाना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको अपने चैनल का नाम सबसे पहले तो ऐड करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और पैराग्राफ आपको एक अपने चैनल का बनाना है बढ़िया सा, जिसके अंदर अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हो अपने चैनल के ऊपर, या फिर कम्युनिटी पोस्ट करते हो, या फिर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हो, स्टोरीज लगाते हो, तो वहां पे आपको अपने चैनल को मेंशन करना ही करना होता है। चाहे आप हैशटैग के जरिए करिए, अगर शॉर्ट्स डालते हो तो अपने चैनल का हैशटैग वहां पे आपको ऐड करना है। जो भी आपके चैनल का हैशटैग है वो वहां पे आपको ऐड करना है। जैसे कि मेरे चैनल का हैशटैग है चेतन प्रकाश टैग, तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, टैग्स वाले सेक्शन के अंदर, हर शॉर्ट के अंदर, हर स्टोरी के अंदर मैं चेतन प्रकाश हैशटैग को यूज करता ही करता हूँ। आप चेतन प्रकाश टैग हैशटैग या फिर चेतन प्रकाश भी सर्च करोगे तो मेरा चैनल जो है आपको टॉप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम जो है आपको करना है। जो भी वीडियो आप अपलोड करो उसके डिस्क्रिप्शन और टैग वाले सेक्शन के अंदर अपने चैनल का नाम आपको ऐड करना ही करना है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। पहला, जो आप अपने चैनल के कीवर्ड्स सेट करते हैं वहां पे आपका चैनल का नाम सबसे पहले होना चाहिए और आपके चैनल के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स वहां होने चाहिए। उसके बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सबसे पहले आपका चैनल का नाम होना चाहिए और आपके चैनल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स बनते हैं वो नीचे एक पैराग्राफ के अंदर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद अपने हर वीडियो के, हर शॉर्ट के अंदर जो है आपको अपने चैनल का नाम मेंशन करना है। तो ये अगर आप करते हो तो आपका चैनल धीरे धीरे YouTube सर्च के ऊपर रैंक करने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए। YouTube के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके मुझे जरूर से बताइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहे। पर्सनली आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जाके फॉलो कीजिए।